गोवा में एससीओ समिट में शामिल हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने देश पहुंचते ही नफरत फैलानी शुरू कर दी है। भारत में अच्छाई का ढोंग दिखाने के बाद बिलावल ने एक बार फिर कश्मीर और आतंकवाद का मुद्दा उठाया। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी भारत यात्रा सफल रही क्योंकि उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के उस विचार को नकारने की कोशिश की कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमने इस मिथक को तोड़ने की कोशिश की। उनका यह बयान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रमोटर, प्रोटेक्टर और आतंकी इंडस्ट्री का प्रवक्ता करार दिया था। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या कहा था आप एक बार इस वीडियो में देखिए। इंडिया एंड पाकिस्तान शुड सिट टुगेदर। यू नो विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म डू नॉट सिट टुगेदर विद परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म टू डिस्कस टेररिज्म। Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. जयशंकर ने तो खैर पाकिस्तान को इस बार खूब लताड़ा। हालांकि भारत में तो नहीं लेकिन पाकिस्तान पहुंचने के बाद बिलावल की भी बोलती निकली। भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों को लेकर कराची में मीडिया को संबोधित करते हुए बिलावल ने कहा, भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कश्मीर में अगस्त 2019 जैसी स्थिति बहाल नहीं हो जाती। हालांकि बिलावल के इस बयान से पाकिस्तान की जनता ही संतुष्ट हो सकती है क्योंकि जो भारत के विदेश मंत्री ने कहा वो आपका सुनना जरूरी है। Was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. हालांकि बिलावल का दुख सिर्फ कश्मीर मुद्दे तक ही सीमित नहीं रहा। भारत पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर भी उन्होंने कहा कि खेल को नुकसान नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि हम उस स्थिति में नहीं है जहां खेल को नुकसान हो। खेल और राजनीति को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। जाहिर सी बात है भारत ने पाकिस्तान की एंट्री आईपीएल में सालों से बैन की हुई है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया भर के क्रिकेटर्स खेलते हैं लेकिन पाकिस्तान इसमें हिस्सा नहीं ले पाता। खैर इस बार तो पाकिस्तान को बड़ी ही मुश्किल से एशिया कप की मेजबानी करने का मौका मिला। ऐसे में भारत ने भी पाकिस्तान जाकर क्रिकेट खेलने पर सख्त रवैया अपनाया और मना कर दिया। हालांकि वर्ल्ड कप भारत में होगा, ऐसे में पाकिस्तान इस हैसियत में नहीं है कि वो भारत ना आए, उसकी मजबूरी है यहां आकर क्रिकेट खेलना। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान भारत के आगे रोता दिख रहा लेकिन भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है। इस बार एससीओ समिट में भी भारत ने पाकिस्तान को कोई मौका नहीं दिया, कोई बातचीत नहीं। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देगा भारत उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। आपका क्या कहना है, भारत के स्टैंड से पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।